नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है इसको लेकर के काफी सारे जो पेरेंट्स हैं उनके उनके मन में छोटे मोटे डाउट्स हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। अगर आप नॉन एसी रूम लेना चाहते हैं, एसी रूम लेना चाहते हैं, अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपको कितना कोटा मिलेगा, अगर आप डिफेंस पर्सन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है तो आपको क्या कोटा मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इस लिंक को फॉलो करना है, www.careerdefensschool.com। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म की भी जानकारी मिलेगी। 31 जनवरी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं और आपके बच्चे को हमारे स्कूल में फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। और एडमिशन से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पे, एडमिशन प्रोसेस, अप्लाई नाउ, रूल रेगुलेशन, डॉक्यूमेंट्स, ई प्रोस्पेक्टस और फीस प्रोसीजर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है फीस प्रोसीजर पे। तो यहाँ से आपको सारी जो जानकारी है वो फीस की मिलेगी, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको, अगर आपका बच्चा 5th क्लास में है तो आपको क्या फीस देना पड़ेगा। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7419999928 पर आपको कॉल करना है। और अगर आपके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी जानकारी के लिए 8950268710 पे कॉल कर सकते हैं। ये उन पेरेंट्स के लिए नंबर है जो बच्चे हमारे स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनको किसी तरह की हेल्प की या सपोर्ट की जरूरत है। बाकी ये जो इंक्वायरी नंबर है, इसे पूरे ऑल ओवर इंडिया से हर रोज 15 से 20 हजार कॉल आती है। तो कोई भी बच्चा जो 1st क्लास में पढ़ रहा है, 1st, 2nd और 3rd क्लास की जो हमारी फीस है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1st, 2nd और 3rd क्लास की जो फीस है, अगर आप नॉन एसी रूम लेते हैं तो 1 लाख रुपए फीस है, जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में 50,000 अप्रैल में और 50,000 रुपये जुलाई में जमा करवा सकते हैं। अगर आप वन टाइम पे करते हैं तो 90,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और ये दोनों ही फीस में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, स्टेशनरी का सामान और 5 फॉर्म आपके इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं तो आपको 1,40,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आप वन टाइम पे करते हैं तो 1,30,000 देना पड़ेगा। और अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो 70,000 रुपये आपको अप्रैल में और 70,000 रुपये आपको जुलाई में पे करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा 4th, 5th और 6th क्लास में है तो आपकी जो फीस है वो 1,20,000 है, जिसमें आपको पे करना है वन टाइम 1,10,000। अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो 60,000 रुपये आपको अप्रैल में और 60,000 रुपये आपको जुलाई में पे करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको एसी रूम लेना है तो 4th, 5th और 6th क्लास की जो फीस है वो 1,60,000 रुपीज है, जिसमें आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा 1,50,000। ये आपको इकट्ठे फीस जमा करानी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं 2 इंस्टॉलमेंट में तो 80,000 अप्रैल में और 80,000 रुपये जुलाई में आपको जमा करने पड़ेंगे। और जिन पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, देखो एडमिशन लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना है, स्कॉलरशिप का फॉर्म जरूर भरना है, तो वो 10,000 रुपये जो है आपके फीस में से लेस हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करवाने का आपको ये फायदा है कि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ठीक ऐसे ही अगर हम लोग बात करें 7th, 8th और 9th क्लास के जो बच्चे हैं जिनको नॉन एसी रूम लेना है, तो 1,40,000 फीस है। अगर आप वन टाइम पे करते हैं, इकट्ठे जमा कराते हैं, तो 1,30,000 आपको देना पड़ेगा, जिसमें 70,000 रुपये आपको अप्रैल में और 70,000 रुपये आपको जुलाई में जमा करना पड़ेगा। अगर आप एसी रूम लेते हैं तो 7th, 8th, 9th क्लास की जो फीस है वो 1,80,000 रुपीज है, जिसमें आपको 1,70,000 वन टाइम और 2 इंस्टॉलमेंट में 90,000 अप्रैल में और 90,000 आपको जुलाई में पे करना पड़ेगा। ऐसी अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि गारंटी केस में एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ एक चांस रह गया है, तो आप 1 साल के लिए 2 लाख रुपए फीस दे सकते हैं, जिसमें वन टाइम 1,80,000 फीस जमा की जाती है। और अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो 1 इंस्टॉलमेंट आपकी अप्रैल में आएगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी आएगी जुलाई में, तो आपको ये जो फीस है टोटल 2 लाख रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी। और ये फीस जो है वो सारी की सारी नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। अगर आप जर्नल हैं, अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं, ध्यान से समझिए ये जो पॉइंट है, अगर आप फार्मर हैं जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके फादर डिफेंस में शहीद हो गए हैं, या एससी एसटी ओबीसी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस से आप बिलोंग करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है, सिर्फ 90,000 रुपये में आपको एडमिशन मिल जाएगा। वन टाइम आपको 80,000 रुपीज फीस आपको जमा करवानी है और 2 इंस्टॉलमेंट में 45,000 रुपये आपको अप्रैल में और 45,000 रुपये आपको जुलाई में जमा करना पड़ेगा। नोट में देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है, जो फीस है वो हर महीने 1st वीक में जमा की जाएगी
अगर आप फर्स्ट वीक में जमा नहीं करते तो उसके बाद आपसे हर वीक 500 रुपए फाइन चार्ज किया जाएगा। फीस के अंदर बुक्स, बैग, स्टडी मटेरियल, ड्रेस, फूड, हॉस्टल, स्टेशनरी, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड है। और हर साल आपकी 10% फीस जो है वो बढ़ती है हर साल। कोई भी ऐसा बच्चा, यहां से आपको समझना है एक्सपेंस और बिल, कोई ऐसा बच्चा जो इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस कोटा में आता है, जिसकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, ऐसे बच्चों से सिर्फ 80,000 रुपए फीस चार्ज की जाएगी वन टाइम एक साल के लिए, और जिसमें आपका बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, फॉर्म, स्टेशनरी का सामान, हॉस्टल, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आपकी इंक्लूडेड होगी। तो आप कोई भी 5 फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो छोटी सी वीडियो थी इसमें मैंने आपको जानकारी दी है करियर डिफेंस स्कूल के फीस की जानकारी। आपको मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल से भी कम फीस में आपको एनडीए के लिए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए और एमएनएस के लिए तैयारी करने का मौका मिल रहा है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, उनको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और एनडीए के लिए तैयारी करवाई जाती है। जो लड़के और लड़कियां वीक है उनको हमारा टारगेट होता है आर्मी और एयरफोर्स में भर्ती के लिए हम लोग तैयार करते हैं। तो आपको दोनों तरफ बेनिफिट है, तैयारी करवाइए। जैसा भी बच्चा है, डोंट थिंक कि मेरा बच्चा वीक है या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका फोकस क्या है, तैयारी करवाना। आपके और मेरे हाथ में रिजल्ट्स नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, हार्ड वर्क आपके और मेरे हाथ में है। तो ये चीजें आपको समझनी है। 7419999928 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। 31 जनवरी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। वीडियो के नीचे आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म, बुक्स, क्रैश कोर्स, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, ऐसे लोगों को सर्च कीजिए, देखिए जिनको जरूरत है, जो नीडी पर्सन है, जिनको जरूरत है, जो अपने बच्चों को आगे चल के सेना में तैयारी करवाना चाहते हैं, ऐसे पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, ताकि लोगों को, आप लोग भी इनडायरेक्टली तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।